नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उमेश पाल अपहरण केस में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला 28 मार्च को फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था। अतीक अहमद ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास लैंड क्रूजर गाड़ी से उमेश पाल को अगवा कराया था। उमेश पाल से अपने पक्ष में बयान दिलवाया था कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और किसी तरह की गवाही नहीं देना चाहता है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सपा की सरकार और अतीक के सत्ताधारी पार्टी के सांसद होने की वजह से उस वक्त उमेश पाल की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। साल 2007 में सूबे में बसपा सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, भाई अशरफ सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद 2009 में आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। 2016 में भी कोर्ट परिसर की चौथी मंजिल से उमेश पाल को फेंकने की कोशिश की गई थी। अतीक और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को अगवा करने की कोशिश भी की गई थी। वहीं पीएसी बुलाने पर उमेश पाल की जान बच सकी थी। इस मामले में कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज, केस को प्रभावित करने के लिए अभियुक्त अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट गया था। मुकदमे का ट्रायल रोके जाने की मांग की गई थी। उमेश पाल ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द केस का निपटारा करने की मांग की थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 महीने में 16 मार्च 2023 तक केस की सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए। खास बात ये रही कि उमेश पाल अपहरण में 8 अभियुक्त वही हैं जो कि राजू पाल मर्डर केस में भी अभियुक्त थे। इसी केस की पैरवी से लौटने के बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। फायरिंग और बमबाजी कर की गई हत्या में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर भी मारे गए। उमेश पाल अपहरण केस में धूमनगंज थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 364 ए, 341, 342, 504, 506, 120 बी और 7 CLA एक्ट में एफआईआर दर्ज है। इन धाराओं में हथियारों के साथ 5 से ज्यादा लोगों पर मारपीट कर बंधक बनाकर गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पक्ष में गवाही कराने का मामला दर्ज है। इन धाराओं में अतीक अहमद को आजीवन कारावास या सजाए मौत तक की सजा मिल सकती है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद और अशरफ को सजा होती है तो ये किसी पहले मामले में सजा होगी। राजू पाल हत्याकांड के 8 गवाहों पर दबाव डालकर अतीक अहमद ने बयान बदलवाया था। बसपा सरकार बनने के बाद उमेश पाल के अलावा अन्य गवाहों ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।